हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह राधे राधे आप लोगों को। और अगर आप अच्छे हैं तो प्लीज कमेंट में राधे राधे आप भी जरूर लिखिएगा, ताकि आपके आने वाले संतान बिल्कुल नटखट हो, बिल्कुल राधे कृष्ण की तरह, कृष्ण भगवान की तरह। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वीडियो का टॉपिक। तो मैंने जैसा कि कल एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे अंग बताए थे जिसमें अगर आपको कालापन नजर आता है तो आप उससे एक अनुमान लगा सकती हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो दोस्तों, उसमें मैंने कुछ अंग बता दिए थे ऑलरेडी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपके अंदर जिज्ञासा है जानने की। तो ऐसे उसमें मैंने सारे कवर नहीं किए थे, एक दो कुछ छूट गए थे, जो कि वीडियो लंबी होने के कारण मैंने छोड़ दिया था। तो आज की इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट रखूंगी, बहुत छोटा रखूंगी, क्योंकि जितना भी ज्ञान मैंने मुझे देना था ना, मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है। काफ़ी सारी बातें कर ली, इसलिए वजह से वीडियो बहुत लंबा हो गया था और मैंने बीच में उसे स्किप कर दिया था। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं कम बातें करूंगी। और उसका उनमें जो भी अंग बताए थे उस वीडियो में, उसका पीछे का रीज़न, जो साइंटिफिक रीज़न होता है वो, और इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें ऐसे बताऊंगी जो कि अगर आपकी काली पड़ती हैं तो उससे भी आप जान सकते हैं कि आपका होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की। तो उनके पीछे का रीज़न और इस वीडियो में बताया जाने वाले अंगों के काले पड़ने का रीज़न, सारा इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी। इसलिए वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें एक रह गया था, आपके जो है आईब्रोज के जो बाल होते हैं ना, वो आपके बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा काले हो जाएंगे अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होगा तो। फिर दूसरा जो अंग था वो था आपके दोस्तों होठ। अगर आपके होठों में कालापन आ गया है, फट रहे हैं, जैसे सर्दियों में नहीं हो जाते, रूखे सूखे हो रहे हैं, जैसे आपके हथेलियाँ ना, हथेलियाँ भी ठंडी हो रही हो, या फिर आपके ठंडी होने के साथ साथ आपके हाथ भी रूखे सूखे हो गए हैं, प्लस आपके होठ भी रूखे सूखे होकर फट रहे हों, आपके आईब्रोज का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, बहुत ज़्यादा काले हो गया और घने हो गए हों, तो ये काफ़ी ज़्यादा सटीक लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटा होने का। तो दोस्तों, अब देखिए ये आखिर काले पड़ते क्यों हैं, ये जान लेते थोड़ा सा, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। तो ये इसलिए काले पड़ते हैं दोस्तों, हमारे जैसे ही हम कंसीव करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, प्रेगनेंसी वाला हार्मोन, जिसे कहा जाता है HCG हार्मोन, ठीक है। जब ये रिलीज होता है ना, तो हमारी बॉडी में एक मेलानिन नाम का हार्मोन भी बनने लगता है, जिसके कारण जो हमारे जो डार्कर एरियाज होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी ब्लैक होते हैं, लाइक ये कुहनी वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, नीज का हिस्सा हो गया, घुटने का हिस्सा, और अंडर आर्म्स का हिस्सा हो गया, तो ये ऑलरेडी काले होते ही हैं, है ना। तो ये इनमें जब मेलानिन हमारी बॉडी में बनता है ना, तो ये वाले एरिया और भी ज़्यादा ब्लैक होते जाते हैं, और भी ज़्यादा डार्क होते जाते हैं, तो ये एक रीज़न होता है। और जिनमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है उसके बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और कुछ लोगों में मेलानिन की मात्रा कम होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का कलर थोड़ा सा सांवला होता है, कुछ लोग डार्क कलर के भी होते हैं, कुछ लोग फेयर कलर के भी होते हैं, कुछ का कलर गोरा होता है। तो उनके में यही अंतर होता है कि जिनमें मेलानिन ज़्यादा बनता है ना, उनका कलर वो डार्क होता जाता है, जिनमें मेलानिन कम बनता है उनका कलर लाइट रहता है, यानी कि वो गोरे होते हैं। ये कि मेलानिन नाम का जो हार्मोन होता है, इसी का सारा खेल होता है आपकी बॉडी के जो कुछ एरियाज हैं उनको डार्क करने में। और जो लोग ये लक्षण बताते हैं कि लड़का होने का लक्षण या लड़की होने का लक्षण, वो इस पर्पज से बताते हैं कि उन्होंने कई सारे लेडीज को देखा होगा जिनमें ज़्यादा फिट बैठा होगा, जैसे कि ज़्यादातर महिलाओं को लड़का हुआ, उनमें से ज़्यादातर महिलाओं में ये लक्षण दिखे, तो उन्होंने सोचा कि ये इसका लक्षण है। तो उनकी बातें भी जो बताते हैं कुछ हद तक सही हो जाती है, लेकिन सबके साथ ही सही नहीं होता, तो आप इसे 100% मत लीजिएगा, बस अपनी जिज्ञासा को आप लोग शांत कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।